वेलकम एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। और आज इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड आपके चैनल पे वीडियो अपलोड होने वाली जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करने वाला हूँ। मतलब ये कि यहाँ पे 7 ऐसे टाइप्स के वीडियोस है, अगर वो आप आपके चैनल पे अपलोड होता है तो आपके चैनल मोनिटाइज ही नहीं होगा। 6 मंथ या 8-8 महीने से चैनल रिव्यू में मोनिटाइज नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ पे 7 और भी टाइप्स के वीडियो लिखा हुआ है, अगर इस टाइप की वीडियो अपलोड अगर आप अपने चैनल पे करते हो तो चैनल लमसम कितना दिन तक रिव्यू में रह सकते हैं और मोनिटाइज होगा या नहीं होगा। तीसरा, आप किस टाइप के वीडियो अपलोड करोगे कि आपकी जो वीडियोज है, मतलब आपकी जो चैनल है वो क्विकली मोनिटाइज हो जाए। तो बने रहिए इस वीडियो को एंड तक, बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाला है क्योंकि ये जानना बिल्कुल जरूरी है। एक एक वीडियो अलग अलग YouTube पे सर्च करने से देखने से बेटर है कि एक वीडियो में पूरा प्रॉब्लम समझे कि किस टाइप के वीडियो आपके चैनल पर अपलोड नहीं करना है मोनेटाइजेशन के बाद, और किस टाइप के वीडियो अपलोड करना है मोनेटाइजेशन होने के लिए, और दोस्तों मोनेटाइजेशन होने के बाद कौन से ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है, नहीं तो आपका भी फिर मोनेटाइजेशन के एक हफ्ते के ही अंदर डिसेबल का ईमेल आएगा YouTube की तरफ से कि आपका जो एडसेंस है वो 15 दिनों के लिए जो है टेम्पररी डिसेबल कर दिया। तो ऐसी गलती नहीं करना है। मेरा नाम मेहताब और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैलेंज YouTube चैनल। दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही YouTube और ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे वन बाई वन आपको बताने वाला हूं कि इस टाइप के चैनल पे वीडियो अपलोड ही नहीं करना है, राइट। इस टाइप के वीडियो अगर आप चैनल पर अपलोड करते हो तो चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा, और आप इस टाइप के वीडियो पर यार आप उम्मीद भी मत रखो। पहला, जो मुझे 2 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे भाई ने कॉन्टेक्ट किया और मुझसे बोला है कि एक हफ्ते सर हो गया, अभी तक चैनल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, एक हफ्ते से चैनल अंडर रिव्यू में है। तो इन्होंने क्या किया था, दूसरे जो चैनल पे, यानी कि आप अगर YouTube पे हो तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं, कॉर्पोरेट जो म्यूजिक आती है, यानी नॉन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट फ्री म्यूजिक दूसरे पे, जैसे NCS चैनल हो गए और भी बहुत सारे वेबसाइट है जहां पे आपको फ्री जो म्यूजिक है वो मिलता है। तो इनके चैनल पे ऑलमोस्ट यानी कि टोटल 19 वीडियोस था, और 19 में से एक एक वीडियो पे मतलब 1-1 लाख समथिंग व्यूज है, और इनके जो भी वीडियोस है वो कॉर्पोरेट फ्री म्यूजिक इन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एक हफ्ते नहीं, मैं उनको बता दिया वहीं पे कि आपकी जो वीडियोस है यानी आपकी जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किसी और चैनल से फ्री कॉपीराइट म्यूजिक को अपलोड किया अपने चैनल पे, सिर्फ इन्होंने अपने क्या किया है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है और वीडियोस के देखने के लिए मतलब जो ग्लासेस यानी कि स्क्रीन पे दिखता है वहाँ पे कोई भी फोटो लगा दिया है, अपना फोटो इन्होंने लगा दिया है और इस टाइप के वीडियो इन्होंने अपलोड किया है। वीडियो तो रैंक किया है, व्यूज आया है, लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, राइट। दूसरा, अगर आप किसी तरह के भी सेलिब्रिटीज अगर वो लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम के उनके लाइव स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड करके और वो सीधे सीधे उठा के अगर अपने चैनल पे डाल देते हो तो भी वो वीडियोस, वो चैनल्स मोनेटाइज नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पे एक एक करके सर्च करोगे, पूरा एक एक करके मैं यहाँ पे 3 घंटे लगाए मुझे YouTube पे भी अपने हिसाब से तो देखा ही देखा, लेकिन 3 घंटे लगे मुझे YouTube पे ये सारे प्रॉब्लम को देखने के लिए, समझने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के स्किप बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि जान लोगे तो शायद आप भी अपने व्यूवर्स को मतलब ये बता सकते हो, इसके ऊपर आप भी वीडियो बना सकते हो और इस तरह से गलतियां भी आप नहीं करेंगे, ये बिल्कुल जानना जरूरी है। तीसरा जो है, हैकिंग वीडियोस बिल्कुल ही नहीं बनाना है। किसी तरह की भी हैकिंग वीडियो अगर आप अपने चैनल पर रेगुलर इसी टाइप की वीडियो बनाते हो तो बिल्कुल ही चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, राइट। चौथी यहाँ पे दोस्तों ये है कि एक पाकिस्तान का एक चैनल जो मुझसे भाई ने कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, 12,000 समथिंग कुछ वॉच टाइम है और 9,000 सब्सक्राइबर है। वहाँ पे उन्होंने क्या है, क्या किया मैं बताता हूँ आपको, बोलने के लिए तो मेरे को थोड़ा सा शर्म आ रहा है। एनिमल्स मतलब कि घोड़े और मतलब कि यहाँ पे मतलब गधे भी है, और मतलब ये एनिमल्स के जो सेक्सुअल जो वीडियोज़ होती है वो वीडियोज़ इन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो लोगों को तो इंटरेस्टिंग है ऐसे वीडियोज़ के, मतलब कुछ लोग हैं जो देखना चाहते हैं इस टाइप की भी वीडियो, लेकिन ऐसे वीडियो मोनेटाइज ही नहीं होगा, चैनल नहीं होगा मोनेटाइज, भाई इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो में मतलब बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस तरह से गलतियाँ कर रहे हैं वो अब बंद कर दें, जो नए आ रहे हैं वो बिल्कुल नए तरीके से काम करें। पांचवा दोस्तों यहाँ पे ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे के चैनल के वीडियो डाउनलोडिंग कर करके
अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, ये भी वीडियो जो है, ये भी चैनल जो है अपलोड नहीं होगा, और वो बंदा इग्नोर करता है, अगर वो चाहे तो कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे दे तो आपका चैनल भी खत्म हो सकता है। तो मतलब ही नहीं है ऐसे वीडियो डालने की। और यहाँ पे छठा जो वीडियो है ये भी बहुत बुरा है, क्योंकि आज का ही है, आज ही मैंने वीडियो मतलब बात किया, मैं एक उड़ीसा के एक चैनल है, उन्होंने मतलब तीन ही वीडियो अपलोड किया, और तीन ही वीडियो पे एक मतलब एक गाय है जो रोड पे चल रही है और बाइक से ऐसा एक्सीडेंट होता है, उस वीडियो पे मतलब मैं देखा कि 1.5 मिलियन व्यूज है, और मोनेटाइजेशन मतलब इनका अभी रिव्यू में नहीं गया है, वो पहले बोल रहे कि अप्लाई का ही ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब मोनेटाइजेशन अप्लाई के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ये कितनी मतलब वो वाली बात है। और 1900 कुछ इनके चैनल पे मतलब सब्सक्राइबर है और वहाँ पे 1.5 मिलियन व्यूज आ गया है, वॉच टाइम भी बहुत अच्छा आया होगा, मैंने नहीं पूछा, मैंने सीधे बोल दिया कि वो मोनेटाइजेशन के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कुछ यूट्यूब का कुछ फीचर का कुछ इश्यू एरर होगा, नहीं तो हो सकता है कि आपके मोनेटाइज नहीं हो, क्योंकि वीडियो देखा मुझे ज़्यादा भी पसंद नहीं आया, इतनी मतलब खतरनाक तरीके से ऐसा एक्सीडेंट होता है तो इस टाइप की वीडियो यार नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं है इस टाइप की वीडियो जो है वो मतलब नहीं होगा। ओके, अपलोड मतलब अपलोड करके फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये मोनेटाइजेशन होगा ही नहीं। और सातवां नंबर का वीडियो जो ये है दोस्तों, ये खास करके यूपी बिहार के जो लोग हैं, जो मतलब कि जो बंदे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ही इज देयर फनीस, वो ऑर्केस्ट्रा की वीडियो जो है अपलोड की अपने चैनल पे। आई नो कि ऑर्केस्ट्रा, बिकॉज आई एम फ्रॉम द ऑल्सो झारखंड बिहार, तो वो वीडियो जो है, वो जो चैनल है, वो भी मोनेटाइज नहीं होगा। शादी उदी में किसी की जगह पे कहीं भी बारात आती है, वहां पे लोग ऑर्केस्ट्रा की वीडियो शूट करके डाले जा रहे हैं, पता नहीं इतने ऑर्केस्ट्रा की वीडियो मिल भी कहाँ से रहा है उनको। तो इस टाइप की भी वीडियो अगर आप अपने चैनल पे डालते हो, वो भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, आपको मालूम चल गया 1 से 7 तक। अब यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ कि अगर इस टाइप की वीडियो अगर आप बनाते हो तो आपके चैनल जो है ऑलमोस्ट 1 मंथ तक रिव्यू में रह सकता है, लेकिन चैनल मोनेटाइज होगा, ये गारंटी है। बॉलीवुड मूवीज के रिव्यू अगर आप देते हो, आपके सेल्फ ओपिनियन रहता है, ठीक है, अगर आप फेस नहीं दिखा रहे हो तो वॉइस अगर आपकी है, और बॉलीवुड के किसी भी मूवी सेलिब्रिटीज के बारे में अगर आप बता रहे हो, तो इस टाइप के चैनल जो है मोनेटाइज होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इंस्टाग्राम पे कोई भी एक्टर्स, कोई भी तरह किसी भी तरह की टिकटॉक स्टार जो है, वो अगर इंस्टाग्राम पे आते हैं, उनकी वीडियो अगर आप डाउनलोडिंग करके अगर आप अपने चैनल पर अपलोड करते हो, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन अगर उनके बारे में कुछ आप बता रहे हो, तो भी ये चैनल मोनेटाइज होगा, लेकिन थोड़ी सी समय लग सकता है। दूसरे चैनल के वीडियो आप अपने चैनल पर अपलोड करते हो, थोड़ा सा पार्ट कट कर करके अगर इस टाइप के अगर आपके वीडियोस है लमसम, तो भी चैनल मोनेटाइज होगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। अब आप सोचोगे कि यार इतनी छोटी छोटी बारीकी से क्यों बता रहे हो, ये सब कॉमेंट है, ये सब क्वेश्चन है, राइट, ये सब क्वेश्चन है जो मैं एकदम बिल्कुल फाइनली कर दे रहा हूँ कि होगा या नहीं होगा। चौथा है यहाँ पे नॉन फेस वीडियोस, अगर आप वीडियो ट्यूटोरियल किसी टाइप के बना रहे हो, फेस नहीं दिखाते हो, लेकिन कंप्यूटराइज वॉइस नहीं रखना, आपकी नेचुरल कुछ आवाज है वही रखना है, तो भी ये चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन अक्सर आपने बड़े बड़े यूट्यूबर के बात सुना होगा कि फेस कैम वीडियो बनाना जरूर जब चैनल रिव्यू में जाएगा, मतलब आप समझ सकते हो कि कहना क्या होता है, यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं और वो बताना क्या चाह रहे हैं, राइट। और पांचवा है दोस्तों यहाँ पे अगर फ्री वीडियोस, बहुत सारे ऐसे साइड है जहाँ पर फ्री वीडियोस मिलता है, अगर वो वीडियो अगर अपने चैनल पर अपलोड करते हो और उसके बारे में बिहाइंड स्क्रीन अगर आपके कुछ वॉइस होती है या फेस होता है, तो भी ये वीडियोस जो है यानी कि ये चैनल है मोनेटाइज होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ पे छठा है दोस्तों, अगर आप हैकिंग कीवर्ड्स अगर आप अपने वीडियोस के अंदर अगर आप यूज किए हो, और आप मतलब ट्यूटोरियल ही वीडियो बनाते हो और हैकिंग के टाइप के ज़्यादा करके वीडियो आपके चैनल पर होती है, तो ये चैनल मोनेटाइज तो होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है, राइट। और यहाँ पे सातवां जो है, अगर आपके चैनल मोनेटाइज नहीं है, मतलब मैं मोनेटाइज नहीं का लिस्ट है, और आप हर वीडियो से अगर आप अपने क्रैक वर्जन को बता रहे हो, काइनमा शो कैसे यूज करें, फिल्मोरा वगैरह, ये सारे मतलब सॉफ्टवेयर है, साइट है, वेबसाइट है, कुछ एप्लीकेशन है, तो ये चैनल भी मोनेटाइज होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली बात आती है कि भाई किस टाइप की वीडियोस बनाऊंगा तो चैनल क्विकली यानी कि 1 हफ्ते नहीं 2 से 3 दिन में ही मोनेटाइज हो जाए, तो वो दोस्तों है फेस कैम वीडियोस। हाँ, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, जो लोगों को कहना है वो मैं बिल्कुल जो नोट किया हूँ वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फेस कैम एनी वीडियोस आप बना सकते हो, लेकिन वो ट्यूटोरियल होनी चाहिए, व्लॉगिंग होनी चाहिए, कुकिंग होनी चाहिए, वो टीचिंग यानी कि स्टडी आप करा रहे वो होनी चाहिए, या आप ब्यूटी का वीडियो बनाते वो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि फेस कैम ही वीडियो है, लेकिन जो दोस्तों ने आपस में मार करते, नदी में मतलब कूदते, जंप करते 2-2 मंजिल से ऐसा करके,
जो गांव में, मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह का इंस्टाग्राम पे मेरे फोटोस आए हुए हैं। मोनेटाइजेशन होने के एक हफ्ते 10 दिन के बाद एक और ईमेल ऐसे यूट्यूब की तरफ से आ जाता है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है आपके एडसेंस अकाउंट को 15 दिन के लिए या 30 दिन के लिए या 45 दिन के लिए, यही होता है, उसको टेम्पोरली जो है वो सस्पेंड कर दिया है। मतलब ये कि अब आपके जो वीडियोस पे ऐड नहीं दिखाए जाएंगे, आपके जो चैनल है पहले जैसे ही हो गया, मतलब आपके चैनल पे जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ है। तो ये क्यों होता है? ये दो कारण से होता है। पहली, एक इनवैलिड क्लिक की वजह से। अब इनवैलिड क्लिक के तो बहुत बड़ा एक, मतलब बहुत बड़ा एक ये फंडामेंटल आप समझ सकते हो, बोल सकते हो, मतलब ये बहुत बड़ा इसमें वर्क है, एक्टिविटी है। लेकिन मैं आपको सिंपल एक लॉजिक में बताना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल को सेफ रख सकते हो। जैसे कि मैंने अपने चैनल को कंट्रोल कर लिया, मतलब ये कि आपको एडसेंस अकाउंट में जाकर के आपके CTR को थोड़ा सा चेक करते रहना है। लोग कहते हैं कि 15% से ज्यादा होता है तो CTR हाई बोलते हैं, लेकिन यूट्यूब एडसेंस या गूगल पे कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एडसेंस जो है 15% से ज्यादा होगा तो हाई बोलते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन यूट्यूबर को कहना है कि ऑलमोस्ट ये सही होता है, 15% जो नीचे ही रहता है तो वो सेम रहता है, 15 से ऊपर जाता है तो लोगों को डिसेबल होते हुए चैनल को देखा गया है। तो अब जो है, मान के चलो आपको या हमको या किसी और को भी 15% में उसको कंट्रोल करना है, तो चैनल जब नया है 30-40-20 व्यू आता है तो आपके एडसेंस जो है, मतलब CTR हाई होने लगते हैं, तो उसमें क्या करना होगा? मेरे तरफ से एक एडवांस सबसे एक ही प्रो टिप्स है जो आप अप्लाई कर देना और बिंदास हो जाना, मतलब कि आप अपने चैनल से बेफिक्र रहना, कभी भी आपका चैनल जो है इनवैलिड क्लिक के अंडर में आकर के वो डिसेबल नहीं होगा, बल्कि डिसेबल हो गए नहीं, कम से कम चैनल मोनेटाइज होने के 3-4-5 महीने तक, 5 महीने तक करते हो तो बहुत बेस्ट है, 3 महीने तक करते हो तो भी ठीक है, नहीं तो 5 महीने तक जब भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करना, स्किपल ऐड है वो सबको ऑफ कर देना, राइट, नॉन स्किपल ऐड को छोड़ देना और बैनर ऐड छोड़ देना, डिस्प्ले ऐड छोड़ देना, लेकिन जो स्किप किया जा सकता है उसको ऑफ करके रखना, क्योंकि जब आपके चैनल मोनेटाइज होता है, आप एक मोनेटाइजेशन के लेके वीडियो बनाते हो, फिर लोगों को तकलीफ होती है, राइट, क्योंकि आपके भी साथ जो भी है उनको तकलीफ होती है, फिर वही इनवैलिड क्लिक। अब इनवैलिड क्लिक क्या है इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि आपके वीडियो पर ऐड आया, ऐड आते ही उस ऐड को स्किप कर दिया, मतलब एडवर्टाइजर को कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं मतलब वो इनवैलिड क्लिक हो गया, मतलब ये इनवैलिड क्लिक, यानी कि कोई बंदा आपकी वीडियो को प्ले करता है फिर उसको स्किप कर देता है, प्ले करता है स्किप कर देता है। लेकिन यहाँ पे YouTube थोड़ा सा स्मार्ट मतलब हो गया है बोल सकते हैं आप, क्योंकि कोई भी बंदा आज के टाइम में अगर वीडियो को नया वीडियो प्ले करेगा, स्किप करेगा, प्ले स्किप करेगा तो 24 आवर्स तक, आप एक बार गौर करना, ये मैंने किया है क्योंकि यूट्यूब पर लॉन्ग टाइम पैसे कमाना है तो उसकी जो भी छोटे छोटे जो कोने वो जानने ही पड़ेंगे, राइट ना। तो मैंने ये चीज का ऑब्जर्व किया है, मैंने स्किप करके देखा है, लेकिन 2-3-4 बार तो मौका ही नहीं देता है, 2-3 बार अगर आपने स्किप किया उसके बाद से आपकी उस ईमेल आईडी पे उसी वीडियो को, दूसरे वीडियो को, मतलब उस चैनल पे दूसरे वीडियो को प्ले करोगे ना, एड ही शो नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है, इससे आपके चैनल सेफ रह सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप 4-5 महीने तक स्किपर एड को अगर ऑफ करके रखते हैं, डरने का कोई टेंशन नहीं है, डिस्प्ले एड, बैनर एड, ये सब चलने दो, नॉन स्किपर एड चलने दो, मतलब स्किपर एड चालू रहेगा ही नहीं तो कोई बंदा इनवैलिड क्लिक करेगा कैसे। तो आई होप कि इस तरह से करके आप अपने चैनल को सेफ रख सकते हो। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट कि जो चीज मैंने पहले वीडियो में बताया, इस टाइप के वीडियोस आपके चैनल पे नहीं डालना है, तो मोनेटाइजेशन होने के बाद भी नहीं डालना है। उस तरह के कुछ वीडियो ऐसी है जिसपे व्यू तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन ऐसे दिमाग से थॉट निकाल दो, वो नहीं चलने वाला है, तुरंत कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी, चैनल बर्बाद हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी किस तरह से डाउट है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जहां भी रहो मचाते रहो, अर्न करो, आगे बढ़ो। तो आप हमारे नए चैनल को भी आप सपोर्ट कर सकते हो, मतलब वहां पे आपको बिल्कुल जेन्युइन A to Z वीडियोस आपको मिलेंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें, पहला लिंक है, चैनल पे जाएं, विजिट करें, वहां पे आपको बहुत ही बेटर और बहुत बढ़िया आपको वीडियोस मिलेगा जिसे आप सेफली जा सकते हैं। आपने सुना होगा खरगोश और कछुए की चाल, राइट, खरगोश कछुआ आगे तक जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।